हेलो एवरीवन, इस पूरी सीरीज के अंदर हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे ऑन डिजिटल लॉजिक। और डिजिटल लॉजिक के अंदर जितने भी सिलेबस है, पूरा जो स्टार्टिंग से एंड तक हम पूरा टॉपिक जो है सब कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो आई होप जो क्लासेस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो आई थिंक यू नो माई नेम, माई नेम इज़ हिमांशु कौशिक, और मुझे गेट की फील्ड में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो चुका है। मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, और सब पहली बार मैंने गेट एग्ज़ाम क्लियर किया था, दैट वॉज इन 2011-12। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसी फील्ड में मुझे लगभग 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्सपीरियंस है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो इसी वजह से आप जो हमारी क्लासेस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं ऑन अन अकेडमी, तो अन अकेडमी पे मेरे पास दो तरह के कोर्सेज जो होते हैं। पहला जो है दैट इज़ कॉल्ड प्लस कोर्स, एंड सेकेंड इज़ आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस कोर्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं, और साथ साथ में जो मेरी क्लासेस होती है काफ़ी इंट्रैक्टिव होती है, यानी कि आप और मैं क्लासेस के बीच में इंट्रैक्टिव या डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। और साथ साथ में जब आप आइकॉनिक कोर्स में जाएंगे तो आइकॉनिक में स्पेशल है, स्पेशल ये है कि एक मेंटर आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। तो मेंटर, जब भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत होगी या फिर आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो मेंटर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा इन एनी वे। तो अगर मेरा कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं विद अन अकेडमी, चाहे आप प्लस ले या फिर आइकॉनिक ले, मेरा कोई भी कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, जस्ट यूज़ अ कूपन कोड विच इज़ कौशिक 10, क्योंकि कौशिक 10 में आपको टोटल 10% ऑफ हमको मिल जाएगा। जस्ट यूज दिस एंड होप यू लाइक दिस। पूरी सीरीज जो है आपको बहुत अच्छी लगेगी, एंड थैंक यू सो मच। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर्स। इन योर गेट एग्जामिनेशन दे हैव हार्डली आस्क्ड एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग डी मल्टीप्लेक्सर्स। इन लास्ट 20 टू 25 ईयर्स हार्डली वन क्वेश्चन केम फ्रॉम डी मल्टीप्लेक्सर्स। So you can maybe it is not that much important for a gate examination, because they feel that any student who understand multiplexers, they also understand demultiplexers. So obviously they have asked one or two questions, so we have to cover this topic, and let us go through this. We will not, it will not harm to spend 15 minutes just to learn demultiplexers. Okay, so these demultiplexers are just opposite of multiplexers. What does multiplexers do? In case of multiplexers, you have multiple inputs and then give one output. In case of demultiplexers, you have multiple outputs and you have one input. So they are basically opposite of each other. Let us first go through the theory and then we will try to understand how can we implement demultiplexers. Okay. So these demultiplexers are used, these multiplexers are used as data selectors, but demultiplexers are used as data distributors. Demultiplexers jo hai wo data distributors ki tarah use hote hain, aur jo multiplexers hain wo data selectors ki tarah use hote hain. In case of multiplexers, we have 2 raised to power n data inputs, we have n select lines, and we have one output line. In case of demultiplexers, we have one input, we have 2 raised to power n output lines, and they are going to have n select lines. Aapke paas n select lines hongi, okay? So let us try and understand the concept of demultiplexers. How can we create this kind of diagram? Pehle isko samajhne ki koshish karte hain, then you will learn a lot of things based on this, okay? So in this case, let us assume these are the select lines. We have the select line S0, we have the select lines S1, okay? And these are the output lines. Output line 0, output line 1, output line 2, output line 3, right? So this is a 4 cross 1 multiplexer, right? So that means in a 4 cross 1 multiplexer, so this is a 4 cross, I mean 1 cross 4 multiplexer. This is a 1 cross 4 multiplexer. Here in the 1 cross 4 multiplexer, you are going to have 1 input lines, you are going to have 2 select lines, and you are going to have 4 output lines. So this is output 0, this is output 1, this is output 2, and this is output 3. So, is tarah se aapke paas 4 output lines hongi, and we are going to have 2 select lines. Okay. Now, if the values of the select lines are 0, 0, if the values of the select lines are 0, 0, then I want this as an output, right? Baki sabhi ki jo output ki values hain, wo 0 honi chahiye. If the value of the select line is 0, 1, अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0, 1 है, तो हम यहाँ पर आउटपुट चाहते हैं 1, एंड ऑल ऑफ द थिंग्स विल हैव आउटपुट एज 0. इफ द वैल्यूज ऑफ दिस सेलेक्ट लाइंस इज 1, 0, देन आई वांट दिस एज एन आउटपुट, एंड ऑल अदर लोकेशंस विल बी हैविंग आउटपुट एज 0. इफ द सेलेक्ट वैल्यू ऑफ द सेलेक्ट लाइन इज 1, 1, इन दिस केस ऑल ऑफ दिस थिंग्स विल बी हैविंग अ वैल्यू 0, एंड हियर वी विल बी हैविंग अ वैल्यू 1. नाउ व्हाट इज डिफरेंट हियर? डिफरेंस हियर इज दैट हियर इन दिस इनपुट, अगर इस इनपुट के अंदर
इफ यू गिव सम इनपुट एज ए, अगर यहाँ पर हम इनपुट ए देंगे, नाउ व्हेन आई से दैट वी हैव सेलेक्टेड लाइन इज 0 0, देन दिस इन आउटपुट 0 आई एम गोइंग टू गेट ए, इन दिस आउटपुट 1 आई एम गोइंग टू गेट ए, इन केस ऑफ 0 1 हियर आई एम गोइंग टू गेट ए, हियर आई एम गोइंग टू गेट ए. सो बेसिकली इन अ 1x4 मल्टीप्लेक्सर्स आई कैन हैव टू सेलेक्ट लाइन्स एंड आई कैन हैव वन इनपुट लाइन. And in this input line, I can pass a variable, I can also pass a constant value 0 or I can also pass a constant value 1. अब अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, what is the equation for output 0? Output 0 की equation क्या है? The output 0 equation is S0 complement, S1 complement and this is A. Okay? So, जो भी आपके पास input था, whatever the input is, if the input is A, then this is A. And here, for the output 1, what is the equation? It is S0, S1 complement and here we have A. What is the equation for output 2? It is S0 and complement and S1 and we have A. And what is the equation for output 3? It is going to be S0, S1 and we have A. So, ye aapke paas har ek jo outputs ki equations hai. We are going to get this kind of equation for all of these outputs because here all other values are 0. Now, one more thing I can do with this. Main yahan par ek aur cheez kar sakta hu. I can also add an enable line. मैं यहाँ पर एक enable line भी add कर सकता हूँ. That means if this enable line value is 1, then multiplexer will work. If this enable line value is 0, then multiplexer will not work. That means I can also add enable with each of this. मैं सभी के साथ एक enable input को भी add कर सकता हूँ. So if this enable input is going to be 1, then only they will work, otherwise they will not work. Now you can check कि हमारे पास यहाँ पर sum of product expression नहीं आई है. We are not getting a SOP expression, but rather we are getting individual product terms. आउटपुट 0 की एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है, आउटपुट 1 की एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है, आउटपुट 2 की एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, आउटपुट 3 की एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म है. तो सबकी हमारे पास एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्म्स आई है एंड देयर इज नो सम टर्म. यहाँ पर कोई भी सम टर्म नहीं आई है बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ सम टर्म्स. दैट मीन्स आई डू नॉट नीड एनी ऑर गेट इन दिस इम्प्लीमेंटेशन. मुझे इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी ऑर गेट नहीं चाहिए. So I can use one AND gate for this. इसके लिए आप एक AND gate use कर सकते हो, which is represented by this one. I can use one AND gate for this, which is represented by this one. I can use one AND gate for this, which is represented by this one. I can use one AND gate for this, which is represented by this one. In this manner, you can easily implement a demultiplexer. इस तरीके से आप एक demultiplexer को काफी easily implement कर सकते हैं. I hope that you understood the implementation of demultiplexer. Understanding this demultiplexer is very easy. बहुत आसान है. सो ओनली वन इनपुट विल बी देयर. वी आर गोइंग टू हैव टू सेलेक्ट लाइन्स एंड वी आर हैविंग वन एनेबल लाइन एंड वी आर गोइंग टू हैव 4 एंड गेट्स एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम इन अ मैनर जो हमारे पास एक्सप्रेशन से आया था. ओके, सो यू कैन ऑल्सो सी द सेम इम्प्लीमेंटेशन हियर. आप वो सेम इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर भी देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सी दैट इन दिस इम्प्लीमेंटेशन यू कैन सी दिस इज द सेलेक्ट लाइन S0 एंड S1. दिस इज द इनपुट लाइन, दीज आर द आउटपुट लाइन्स एंड दिस इज द एनेबल लाइन. So accordingly, you can also make a truth table like this and you can also implement it in this manner. Okay, this is presenting a function table of 4x1 multiplexer. In the same way, I mean 1x4 multiplexer, demultiplexer. So by mistake, I'm calling demultiplexer as multiplexer. So here we are doing demultiplexers only. Okay, and in this case, you can see, yahan par kya ho raha hai? In this here, we are having a 1x8 demultiplexer. Yahan par 1x8 demultiplexers hain. That means we are going to have one data input, we are going to have 8 output lines. For each of these output lines, I'm going to need one AND gate, and because we have 8 output lines, that is why I'm going to need 3 select lines. Yahan par 3 select lines honi zaruri hai. Okay, and we are going to have one enable line. Ek enable line aapke paas hogi. Okay, now in this case you can see ki aapke paas ye jo complete diagram aaya hai, logic diagram, we are going to have 8 AND gates, we are going to have 3 select lines. Okay, and you can also find the equation for each of them. Aap sabhi ke liye equation find out kar sakte hain. Now this can be a good practice for you. Ye aap sabhi ke liye practice ke liye aap isko use kar sakte hain, because in gate examination they have not asked many question based on this. Even UGCNET examination mein demultiplexer ke upar zyada questions nahi aaye hain. That is why I'm not going too much in depth regarding demultiplexers. Main isse bahut in depth mein nahi ja raha hu. जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस गेट के अंदर, आई एम गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू गाइस. बट आई थिंक यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. मेन थिंग क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, व्हाट इज डी मल्टीप्लेक्सर एंड व्हाट इज हाउ टू इंप्लीमेंट डी मल्टीप्लेक्सर्स. इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज मोर देन इनफ फॉर डी मल्टीप्लेक्सर्स. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस लुक एट दिस वन कि हम डी मल्टीप्लेक्सर से कैसे
फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट फंक्शंस यूजिंग डी मल्टीप्लेक्सर्स. ओके, सो हियर यू कैन सी वी हैव द फर्स्ट फंक्शन, दैट इज फंक्शन ए बी सी. एंड हियर इन दिस फंक्शन ए बी सी, दिस इज अ थ्री वेरिएबल फंक्शन. सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव थ्री कॉम्बिनेशंस. अब वो बताना क्या चाहता है इस फंक्शन के अंदर. ही वॉन्ट टू से दैट दैट दिस इज अ फंक्शन ए बी सी एंड दे आर हैविंग द वैल्यूज 0001 0010 0011 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Correct. Now in this case the decimal values are 0 1 2 3 4 5 6 and 7. ये आपके पास decimal values हैं and this function is assuming a value 0 3 and 7. In तीन locations में इसकी value 1 है. So in the location 0, here we are having a value 1, here we are having a 1 1, here we are having a value 1. In all other locations we are having a value 0. बाकी सभी locations पे हमारे पास value 0 है. And we have to implement this function using demultiplexers. अब इसको कैसे कर सकते हैं. So it is a three variable function. And because it is a three variable functions, that means we are going to have 8 combinations. To represent all of these 8 combinations, I'm going to take a 1 cross 8 demultiplexer. तो मैं यहाँ पर एक डी मल्टीप्लेक्सर लूँगा. दिस इज 1 क्रॉस 8 डी मार्क्स. ये 1 क्रॉस 8 डी मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड हियर इन दिस 1 क्रॉस 8 डी मार्क्स आई एम गोइंग टू हैव 1 इनपुट लाइन एंड इन दिस इनपुट लाइन आई एम गोइंग टू पास अ वैल्यू 1 एंड देन वी आर गोइंग टू हैव 8 आउटपुट लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज आउटपुट 0, output 1, output 2, output 3, output 4, output 5, output 6 and output 7. Clear? Now I'm going to pass ABC as a select line. तो आपके पास जो तीनों वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, दिस इज वेरिएबल ए, दिस इज वेरिएबल बी एंड दिस इज वेरिएबल सी. दिस इज सेलेक्ट लाइन 0, सेलेक्ट लाइन 1 एंड सेलेक्ट लाइन 2. आई होप इट दिस मच इज क्लियर. अब हमें करना क्या है, इन आउटपुट लाइन 0, इन आउटपुट लाइन 3 and in output line 7. Correct? I'm going to select output line 0, output line 3, and output line 7, and I'm going to apply an OR gate. मैं यहाँ पर एक OR gate को apply करूँगा. So if I apply an OR gate here, अगर मैं यहाँ पर एक OR gate को apply करता हूँ, this is going to represent the SOP expression for this. जो इसकी sum of product expression है, ये उस SOP expression को represent करेगा. Okay, so in this manner I can simply implement this kind of functions. Implementing such kind of function is very easy in case of demultiplexers. Okay, so implementing the second function is also very easy. In the second function what we have is we have 1 2 and 5. So go to the minterm 1, take 2 and take 5 and apply an OR gate here. This is representing the function f2, this is representing the function f1. In this manner you can easily implement it. Just check it, the solution. Just check the solution. You can see, you can easily implement your functions in demultiplexers in this manner and such a easy task. Itna asaan hai, it is not difficult at all. Okay. I hope that you understood demultiplexers. In the next video, let us start our discussion regarding decoders.